नमस्कार स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक विभागों को लेकर के हम बात कर रहे थे। इसमें दो वीडियो हमने पहले बना दिए, जिसमें जो राजस्थान का प्रथम जो भौतिक विभाग इसमें किया था, थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसको उसकी जो विशेषताएं थी वो हमने की और उसमें जो मुख्य मुख्य बातें वो अपने सामने आई। बाकी के जो तथ्य बच जाएंगे, जो शेष रहेंगे, वो जैसे अपना टॉपिक पूरा होगा बचे हुए जो तथ्य हैं वो सामने लास्ट में एक पर्सन के हिसाब से लेकर के आएंगे, ताकि आपको वो ध्यान रहे, इतना बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं रहे। और बाकी वो तथ्यात्मक होंगे, एक एक लाइन के आपको इस प्रकार के बना दिए जाएंगे पर्सन, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस प्रकार से कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बना करके आपको तो उत्तर ध्यान रखने, पर्सन अपने आप ही उसी पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते। दूसरा जो भौतिक विभाग था राजस्थान का, वो था मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला या मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसकी अपने आप में कुछ एक विशेषताएँ हैं। और एक बात हमने कही थी कि आप जैसे भौतिक प्रदेश विभाजित करते हो, उससे पहले आपको थोड़ा सा ये एक भौगोलिक दृष्टिकोण से ये ज्ञात होना चाहिए कि उच्चावचों के दृष्टिकोण से भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है। एक भौतिक विभाग का हम अगर एक जो सीमा मानते हैं, तो उसमें एक प्रकार का उच्चावच, एक उच्चावच दृष्टिकोण हमें नज़र आता है, इसलिए एक प्रकार का उच्चावच उसे कहते हैं और उसी के आधार पर भौतिक विभाग कह दिया जाता है। रही ऊंचाई की बात, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई को देखा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, सिर्फ इस मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9% है। कितना है? 9%। जबकि रेतीला जो पश्चिमी मरुस्थल या मरु प्रदेश की आपने बात की थी, उसका कितना था? लगभग 61%। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश था, और उस सबसे बड़े भौतिक प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी? 40% जनसंख्या थी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, वैसा प्रश्न आता है, पूछा जाता है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम बात करें, अब यहाँ 9% क्षेत्र में, यानी कि टोटल जो राज्य का क्षेत्रफल है उसमें से ये जो भौतिक प्रदेश है, सिर्फ 9% क्षेत्रफल पर ये स्थित है या फैला हुआ है, विस्तार है इसका। ठीक है, अब इसमें जनसंख्या की अगर हम बात करें, किसकी जनसंख्या, तो इस क्षेत्र में राज्य की जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करता है? तो वो करता है 10% जनसंख्या। लगभग 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो अब आप देखिए कि क्षेत्रफल कितना है, 9%, और जनसंख्या कितनी निवास करती है, लगभग 10%। ये बुकों के जो डाटा है उसके आधार पर बात की जा रही है। यहाँ अगर वर्षा की हम बात करें इस क्षेत्र में, मुख्य मुख्य सी बातें, यहाँ अगर वर्षा की हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है। 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इस क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है। इसके बाद में अगर जलवायु की हम बात करें, किसकी जलवायु की, तो इस क्षेत्र की जलवायु उप आर्द्र पाई जाती है। कैसी है इसकी जलवायु? उपाद्र। ये जो क्षेत्र है, यहाँ इससे पश्चिम में अगर जाओगे तो आपको शुष्क जलवायु मिलेगी, पूर्व में आओगे तो आपको दक्षिण, दक्षिण पूर्व में आओगे तो आपको आर्द्र जलवायु मिलती है आपको दक्षिण में। तो यहाँ ये जलवायु की बात हुई। इसके बाद में अगर मृदा की बात करें विशेष रूप से, तो यहाँ कौन कौन सी मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखो, काली मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, वह कंकरीली, कंकरीली। ठीक है, लगभग ये मृदाएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, काली, भूरी, लाल व कंकरीली मृदाएं
आपको मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलती हैं। चलिए अब जो है वो है, इसमें रहेंगी ये मरदाएं, तो क्योंकि इनका जो स्थलाकृति है और स्थलाकृति पर जिस प्रकार की संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं चट्टानों से संबंधित, तो ये आप कंपोज काली मृदा, लाल मृदा, भूरी मृदा कलर कंपोजिशन है ये, ठीक है। और ये चट्टानों के बोल्डर्स पर डिपेंड करती है, कंकरीली मृदा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इस ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है या पर्वतमाला है, इसकी हम बात करते हैं कि भाई लंबाई कितनी है, एक तो कुल लंबाई और एक राजस्थान में इसकी लंबाई, और कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, कहाँ इसका समापन बताया जाता है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं कि ये जो पर्वतमाला है गुजरात, कहाँ से, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, और स्पेशल नाम लिया जाता है पालनपुर, पालनपुर यहाँ से इसका प्रारंभ होता है, यहाँ से तो है इसका प्रारंभ। फिर लगातार रूप में ये चलती जाती है और कहाँ तक चली जाती है, दिल्ली तक, कहाँ तक चली जाती है, दिल्ली तक। झुंझुनू जिले तक आते आते फिर ये टेलों के रूप में परिवर्तित होती जाती है, काफ़ी अपरदित है, काफ़ी प्राचीनतम श्रृंखला है, ये ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली तक जाती है, तो अगर इसकी कुल लंबाई की हम बात करें, कुल लंबाई की अगर बात करोगे तो इसकी कुल लंबाई है देखिए 692 किलोमीटर, इसकी अरावली पर्वत माला की या श्रृंखला की जो टोटल लंबाई है वो तो है 692 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, इस पे प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। एक तो कुल लंबाई, एक राजस्थान में दो प्रकार से इस पे प्रश्न आते हैं, एक तो कुल लंबाई पे आता है, तो कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको गुजरात, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर और दिल्ली तक है, वहाँ तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। इसके बाद में यह आता है कि राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में अगर बात करें या राज्य में इसकी बात करें लंबाई की, तो 550 किलोमीटर है, कितनी है, 550 किलोमीटर। तो यहाँ कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है, यानी कि टोटल जो लंबाई में से 550 किलोमीटर राज्य में इसकी लंबाई मिलती है, तो ये लगभग बताया जाता है, डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, 80%, 80% लंबाई कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है, इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की 80% जो लंबाई है वो राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें भाई जिलों की, कि इसके अंतर्गत लगभग कितने जिले आते हैं, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इस प्रकार से जो फैली हुई है, तो आप क्या बताओगे, उत्तर से और ये दक्षिण पश्चिम तक इस प्रकार से ये फैली हुई है। तो इसमें शेखावाटी जो क्षेत्र है उसकी भी पहाड़ियाँ आती हैं, जयपुर की पहाड़ियाँ भी आती हैं, और आप अजमेर की पहाड़ियाँ भी आती हैं, कुछ भाग है अजमेर में, इस पहाड़ी का विस्तार कम है या इस श्रृंखला का विस्तार कम है, उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक विकिरण के रूप में अपने राज्य में है। तो इसमें लगभग बताए जाते हैं कि इसके अंतर्गत 16 जिले आते हैं, कितने आते हैं, 16 जिले, लगभग 16 जिले आते हैं, जिसमें उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली,
अजमेर, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के, इसमें पहाड़ियाँ शामिल हैं और ये जिले इसमें आते हैं, ये इस प्रकार से उसको बताया गया है। अब हम मुख्य सी बात कर लें कि विश्व की, ये पूछा जाता है भाई कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत माला है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है तो कौन सी है? वलित पर्वत भी, वलित पर्वतमाला पूछ लिया जाता, तो आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए अरावली जो है ना, ये विश्व की प्राचीनतम है, विश्व की प्राचीनतम है, लेकिन एक शब्द और जुड़ता है। देखिए वलित पर्वत, ये विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में है, समझ गए? विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में ये शब्द भी काम करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि जब इसका निर्माण हुआ तो प्लेटों के खिसकने की वजह से हुआ, क्योंकि वलन तभी पड़ते हैं जब प्लेटें खिसकती हैं। प्लेटें खिसकती हैं तो आपने कभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ा हो, वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें दो प्लेटों की अगर बात की गई कि दो प्लेटों के बीच में भूसन्निधि पाई गई और उनमें जैसे ही संचलन हुआ तो उस भूसन्निधि पर दबाव पड़ा, और उस भूसन्निधि पे दबाव पड़ने की वजह से क्षैतिज संचलन हुआ, तो भूसन्निधि का जो मलबा है उसमें वलन पड़ने लग गए। इसलिए इसका जो वलित जो शब्द लगता है वो उसके निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। इसलिए क्योंकि अलग अलग प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, कुछ बोलते ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, कुछ हॉट पर्वत बोलते हैं, उसी प्रकार से वलित पर्वत बोलते हैं। तो ये कौन सी पर्वतमाला है ये भी ध्यान रखिएगा, जो अरावली पर्वतमाला है ये कौन सी है, ये पूछ ले। ज्वालामुखी पर्वत है, ये भ्रंश हस्त पर्वत है, तो इस प्रकार से वलित पर्वत है, इस प्रकार से भी प्रश्न इस पे पुट अप हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वलित है, सबसे प्राचीनतम तो है ही, लेकिन ये वलित पर्वतमाला भी है, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मुख्य सी बात है कि राज्य को लेकर के हम बात करते हैं तो ये पर्वतमाला क्या है, जल विभाजक, इसका जल विभाजक का कार्य करती है भैया, जल विभाजक का कार्य ये करती है और ये वर्षा विभाजक का भी करती है, इसका वर्षा विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। तो दो कार्य करती है, इसका मतलब ये एक तो आपका जल विभाजक का और एक वर्षा विभाजक का, यानी कि वर्षा विभाजक का इससे इधर अधिक वर्षा होती है और इससे इधर कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इधर से गुजरती है, एक तो ये बात। दूसरी बात है जल विभाजक की, अगर बात करते हैं, देखो दो जो अपवाह बेसिन होते हैं, दो अपवाह बेसिन होते हैं, ठीक है। अब अपवाह बेसिन यानी कि एक मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों का एक क्षेत्र होता है, तो दो अपवाह बेसिन के बीच में ऊंचा उठा हुआ भाग जल विभाजक कहलाता है या जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब क्या, जल का विभाजन करना। अब यहाँ जो जल का विभाजक ये करती है तो दो मुख्य विशेषताएं इस पे आती हैं, एक तो कि इसके जो पूर्व की जो नदियां हैं या पूर्व में जो अपवाह बेसिन है उनकी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनका पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और आप पश्चिम की बात करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अरब सागरीय, ठीक है। इधर अरब सागरीय भी लूनी नदी को कहा जाता है, वो कच्छ के रण तक पहुँचती है, एक बार वो गई बताया जाता है, किताबों में ऐसा लिखा है कि एक बार वो पहुँची थी, बाकी तो ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, फिर भी इसको अरब सागरीय कहा जाता है। ये काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो अब है कि माना जाता है तो है,
अब इसके बाद में इसके यहाँ अगर आंतरिक अपवाह की बात करें तो आपको इस अरावली के पश्चिमी भाग में आंतरिक अपवाह क्षेत्र खूब देखने को मिलते हैं। आंतरिक अपवाह क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी नदी आंतरिक भाग से उसका उद्गम तो होता है, लेकिन वो किसी बड़े सागर और झील में जाकर के नहीं गिरती, और जहाँ उद्गम होता है उससे कुछ दूरी पर चलती हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी पर चलती हैं और वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। इसको अंतःस्थलीय भी कहा जाता है। तो ये से संबंधित बात थी। अब इसकी अगर इस पर्वत श्रृंखला की, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करोगे तो 930 मीटर की ऊंचाई है। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। औसत ऊंचाई देखी जाती है, देखना, समुद्र तल से, ये ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से। तो समुद्र तल से इसकी जो एवरेज ऊंचाई, एवरेज का मतलब है कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे भाग हैं, तो उसका एक एवरेज निकलता है डाटा विश्लेषण से, तो वो 930 मीटर की ऊंचाई है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, बहुत सिंपल होता है और अपन ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि हम बात करें कि भाई अरावली जो पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो कौन से जिले में अधिक है और कौन से जिले में कम है, तो कौन से जिले में अधिक है, अधिक तो है आपका उदयपुर जिला, ठीक है, ये बताया गया है। और जो सबसे कम विस्तार पाया जाता है, कम वो बताया जाता है कौन सा, अजमेर, ये ध्यान रखिएगा। अरावली का, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका अधिकांश भाग उदयपुर में है और सबसे कम भाग अजमेर में है, ठीक है। इसके बाद में ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है या पर्वत माला है, इसको राजस्थानी भाषा में, कौन सी भाषा में, देखिए ये लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा में, है ना, किसको, अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, अड्डा वाडा, अड्डा वाडा ये कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है तो इसका जो विस्तार है, तो इस प्रकार से इसका यहाँ विकिरण के रूप में विस्तार है, ठीक है। और ये जो है उत्तर और पूरब से दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार बताया जाता है। कुल लंबाई की अपन ने बात की थी, 692 किलोमीटर की इसकी लंबाई बताई गई थी और 550 किलोमीटर ये राजस्थान में अपनी लंबाई रखती है, ये बात अपन ने कर ली थी। अब इसके बाद में ये बात भी आ गई कि भी इसका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो तो उदयपुर में है और सबसे कम है वो अजमेर में है। ये भी बात हो गई कि राजस्थानी भाषा में अरावली श्रृंखला को अडा वाडा कहा जाता है, चलिए ठीक बात है। अब क्या है कि ये इस प्रकार से फैली हुई है तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इस प्रकार से इस अरावली जो पर्वतमाला है इसको तीन भागों में इसका विभाजन किया गया है, और तीन भागों में करने के साथ साथ में इस पे बहुत बार प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि अरावली के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, या ये ऊंची चोटी अरावली के किस भाग में है, तो उत्तरी मध्य और दक्षिण, इस प्रकार से आपको अरावली का बंटवारा करके दे दिया जाता है। चूंकि आपको ये पता रहता है कि भाई अरावली की चोटी तो है, ये बात आपको सही है, कई बार इस प्रकार से बंटवारा करके दे दिया जाता है कि उत्तरी मध्य और
दक्षिणी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज सा होता है कि ये कौन से में शामिल है। तो जैसा बताया गया अपन उसके अनुसार अगर बात करें तो जो आपका उत्तरी जो अरावली है, कौन सी उत्तरी अरावली, तो इसमें इधर देखिए जो शेखावाटी का भी क्षेत्र आता है, तो शेखावाटी की पहाड़ियाँ भी हैं, जिसको जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना उनको स्थानीय रूप से नाहरगढ़, तोरावाटी और पुराना घाट आदि नामों से इसको जाना जाता है, जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई इसमें जिले जो बताए गए हैं, किसमें, उत्तरी अरावली में जो जिले बताए गए हैं मुख्य रूप से, देखो जयपुर और अलवर, जयपुर अलवर और इसके साथ में कुछ शेखावाटी का ना, शेखावाटी का क्षेत्र भी आता है। ठीक है, अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, बस इसी उत्तरी अरावली की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी या इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है, कौन सी है, रघुनाथगढ़। देखिए रघुनाथगढ़, देखिए अब ये कहाँ है, सीकर जिले में बताई जाती है, किसमें है, सीकर जिले में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो लिखी हुई है देखो 10-55 मीटर, कितनी है इसकी ऊंचाई, 10-55 मीटर है। इसके अलावा क्योंकि इसमें अलवर भी आता, तो अलवर में भी एक भैरोंच करके पहाड़ी है, ये अलवर में है। ठीक है, ये अलवर में बताई जाती है, और इसके बाद में है एक बाबाई नाम से, बाबाई, और ये बताई जाती है जयपुर में। ठीक है, तो ये जो मुख्य सी उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो गई, रघुनाथगढ़, कहाँ है, सीकर में है, कितनी ऊंचाई है, 10-55 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम दक्षिण की बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं किसकी, मध्य अरावली की, कि उत्तरी अरावली की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं मध्य अरावली की। और मध्य अरावली में जो जिले शामिल किए गए हैं, देखिए मध्य में अजमेर तो आता ही आता है, जयपुर का भी कुछ भाग आता है और टोंक जिले का भी कुछ भाग इसमें आता है। तो इसमें अजमेर, जयपुर, टोंक जिले के कुछ भाग में जो पहाड़ियाँ हैं उसको शामिल इसमें किया गया है। और अगर इसमें मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और उसका नाम है तारागढ़, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताई गई है उसका नाम क्या है, तारागढ़ है। देखिए वो कहाँ है, अजमेर में है, अजमेर में है, इसकी ऊंचाई 870 मीटर बताई गई। फिर भी कोई गड़बड़ हो तो भैया आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें देखो आप और हम सब मिलकर के ही प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सारी बुक होती हैं, उसमें जैसे लेखक भी होते हैं, और उसमें 1700, जैसे अपने गुरु शिखर को मान ले, मैंने 1978 की किताब देखी थी, उसमें 1722 मीटर थी, लेकिन फिर कोई किताबें देखी तो उसमें 1727 मीटर, ये कैसे हुआ। ठीक है, अब उसमें जो टेम्पल बना हुआ है गुरु शिखर पे, उसको लेकर के उसकी 5 मीटर की लंबाई बढ़ा दी अपने आप में, अभी भी कोई प्लेट विवर्तनीय घटनाएं घट रही हैं जिससे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। देखो ये तो भूगर्भ विज्ञान ही अपने को बता पाएगा, लेकिन कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में 1722 मीटर ही है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दिया जाता है और उसमें 1722 नहीं देकर 1727 दिया जाता, फिर तो आपको सही करना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में 1722 ही है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मध्य अरावली क्षेत्र की, और मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे थे, जिसका नाम है तारागढ़, और ये कहाँ है, अजमेर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 870 मीटर बताई गई है ना, ये आप ध्यान रखिए। फिर अजमेर जो है इसकी है ब्यावर तहसील, कौन सी है, ब्यावर तहसील, और ब्यावर तहसील में कुछ एक दर्रों के बारे में जिक्र कर रखा है। तो ब्यावर तहसील में जो दर्रे हैं ना,
वो कौन सा है? देखो, एक तो है मूरा घाट, सॉरी, एक तो है मूरा घाट दर्रा बताया गया है, ये ब्यावर तहसील में है ये भी। एक है बरदर्रा, दूसरा है, एक और है परवेरिया, परवेरिया। एक है शिवपुर घाट, देखो शिवपुर घाट। ये एक दो तीन चार, चार दर्रे ब्यावर तहसील में बताए गए हैं, मूरा घाट, बर, परवेरिया और शिवपुर घाट। ये चार दर्रे किसमें बताए गए हैं? अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में इनकी स्थिति बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। उत्तरी अरावली अपन ने कर लिया, मध्य अरावली कर लिया, अब इसके बाद में देखते हैं दक्षिणी अरावली जो क्षेत्र है, कौन सा? दक्षिणी अरावली क्षेत्र। देखिए, बड़े कोई भी आप चाहे कम पढ़िए, लेकिन आप शांति से जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी स्मृति में रहेगा, शोरगुल और तेज दोनों ही आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती हैं। इसलिए जितनी शांति से आप पढ़ सकते हैं, जितनी शांति से आप सुन सकते हैं, उस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए और समय रहते पढ़ना चाहिए, भाग दौड़ में कुछ नहीं आना है। ठीक है, दक्षिणी अरावली की हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो जिले बताए गए, देखिए वो बताए गए हैं पाली और सिरोही, तो दक्षिण के आएंगे आएंगे सिरोही, उदयपुर, ठीक है, राजसमंद और डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर। ये इसमें जिले बताए गए हैं, तो इन जिलों में किसका विस्तार है? दक्षिणी अरावली क्षेत्र का विस्तार बताया गया है। इसकी देखो सबसे बड़ी जो विशेषता है, तो पूरी जो अरावली श्रेणी है, उस पूरी अरावली श्रेणी में सर्वाधिक जो ऊंचा भाग है ना, सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन से क्षेत्र में आता है? भैया इसी क्षेत्र में आता है, इसमें दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ही आता है। इस प्रकार का भी प्रश्न प्रश्न बनाने वाले पे डिपेंड है, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन नहीं बना सकते, बना तो सारे सकते हैं, लेकिन अपने पास में अपना पेपर बनाए अपने पास में थोड़ी आता है, इसलिए कैसे भी उसको सोचा जा सकता है। तो इनकी विशेषताओं पे आपको ध्यान रखिएगा। और इसी क्षेत्र में जो है अरावली की सबसे ऊंची, कौन सी? सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मिलती है भाई, कौन सी है? गुरु शिखर, देखो नाम तो अच्छा है, चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर, जो कहाँ है? माउंट आबू में है भैया, माउंट आबू सिरोही जिला। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की बात करें तो देखो यहाँ पक्षी है ना खूब हैं, अच्छी जैव विविधता है, गांव में बहुत अच्छी जैव विविधता पाई जाती है और होना भी चाहिए। 1722 मीटर, बिल्कुल, कितनी है इसकी? गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसी के लिए ये गुरु शिखर जो पर्वत है, इसी के लिए कर्नल जेम्स टॉड, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ये था भाई। और इसने, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर के लिए क्या कहा? संतों का शिखर, संतों का शिखर। किसको कहा? गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर शिखर कहा है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये मुख्य रूप से अरावली जो पर्वतीय प्रदेश था उसको लेकर के हमने बात की। आप क्या कि बने रहें कि जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा, लास्ट में इसमें अगर कुछ एक तथ्य अगर छूट जाते हैं और मुख्य तथ्य आते हैं, तो उनको मैं क्रम से ही आपको बिल्कुल एक एक लाइन में बता दूंगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप तथ्य पर आधारित अपने प्रश्न खुद बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।